when he was 8 years old, came to his home and gave a letter to his mother. माँ को चिट्ठी दिया, माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा, 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बड़े हो गए। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी, इसके अंदर असीम प्रसन्न भावनाएं हैं, तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन, आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा, कल से तो स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पर करूँगा, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला, मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। माँ ने उल्टा पढ़ा, माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों